फ्रेंड आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो है एक ऐसे तेल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कस्तूरी तेल। तो कस्तूरी तेल के बारे में आज आपको पूरा डिटेल देने वाले हैं क्योंकि जो है कस्तूरी तेल किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार के रोगों पर काम करता है, इसी के बारे में आज आपको पूरा डिटेल देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बात करते हैं कस्तूरी तेल के बारे में। कस्तूरी तेल जो है हमारे दर्द में, जहाँ भी हमारा दर्द होता है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे आपको जो है सर दर्द अगर हो रहा है तो क्या होता है कि सर दर्द कभी होता है कि धूप निकलने के बाद होती है या धूप जब जाती है शाम के टाइम ऐसा होता है, कभी आधा सर दर्द होता है कभी पूरा दर्द होता है। तो सर दर्द कई प्रकार के होते हैं, कभी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप जो है इस तेल का उपयोग करते हैं तो आपको सर दर्द से राहत मिलेगी और आपको जो है जोड़ों का दर्द हुआ, जैसे कि आपको गठिया हुआ, पैर में उठने बैठने में दिक्कत होती है, हाथों में जो है सूजन आ जाती है, कमर में दर्द हो रहा है और जो है आपके पैर सूज गए हैं या कहीं चोट लग गई है, तो उसमें अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आपके गठिया रोगों में भी आराम मिलता है। अगर आपका बदन दर्द करता है तो कभी कभी क्या होता है कि बुखार की वजह से या अन्य बीमारियों की वजह से बदन दर्द करता है, या तो फिर कहीं ज़्यादा काम कर लिए तो भी बदन दर्द करता है, तो उसमें भी आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको जैसे लकवा का शिकायत हो गया, जिनको एकांगवाद का दिक्कत हो गया है, तो पैरालिसिस अगर उनको हो गया तो उसमें अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब एकांगवाद हो जाता है तो खून जमाव की का वो दिक्कत रहता है जिससे खून की संचार पूरे मात्रा में चलती रहे शरीर में। तो इसलिए हम मालिश के लिए 2-3 बार जरूर बोलते डॉक्टर, तो उसमें अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जब मालिश होता है मालिश के लिए जो है ये तेल बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, किसी कारण आप कहीं से चोट चपेट लग गई या गिर गए या मांसपेशी कुछ चीज़ उठाते समय आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ गया या धुस चोट लग गई आपके शरीर में, तो उस पर आप इसे मालिश करते हो तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाए गए बहुत ताकतवर इंग्रेडिएंट मिलाए गए, जैसे कि इसमें जो है इंग्रेडिएंट है आपको धतूरा है, धतूरा जो है दर्द को नियंत्रित करता है, उसके बाद जो है चमेली है, ये भी जो है आपको जो है जो दर्द रहता है उसको जो है नाश करती है, और उसके बाद इसको जो है आपके आपको जो दर्द से राहत मिलता है चमेली के तेल से ही, आपको जो है इसमें जो चमेली डाला गया है उससे आपको राहत मिलती है। एरेंड का तेल डाला गया जो कि आपको जो एंजाइम रहते हैं जो कीटाणु रहते हैं उनको दूर करता है और जो है आपको एक दर्द से नियंत्रण करता है और जो चोट चपेट में सूजन आती है उसे दूर करता है। उसके बाद जो है इसमें कुलचा डाला गया है, तिल का तेल डाला गया है, वसनाब है जो कि वसनाब जो सूजन कम करता है, गठिया रोग में बहुत बढ़िया काम करता है वसनाब। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट भी मिलाया गया, जो बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट मिलाया गया जो कि हमारे शरीर में जब भी दर्द होता है या सर में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, कहीं भी होता है, तो जो है ये इंग्रेडिएंट बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही लाभदायक है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको जो है जो भी दर्द है शरीर में वो दूर होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये तेल आप किसी भी आयुर्वेद शॉप पे बड़ी आसानी से आप पा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे सुबह शाम जो है मालिश कीजिए, अगर आपको लकवा का प्रॉब्लम है तो 3-4 बार मालिश करें तो 3-4 बार मालिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दर्द है जैसे सर में दर्द है तो सर में सुबह लगा लीजिए, शाम को सोते टाइम लगा लीजिए, तो क्या होगा सर दर्द आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गठिया रोग है तो गठिया रोग गठियों पे मालिश धीरे धीरे हल्का हाथों से कीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है आपका जो है दर्द है और जो गठिया का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा, और कहीं भी चोट चपेट लग गई या कालापन आ गया, सूजन आ गया, उसमें भी आप इसका उपयोग कीजिए तो आपको धीरे धीरे राहत मिलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।